नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और इस समय दोस्तों आपके दिलों की धड़कन अब बड़ी तेज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रहा है। जुलाई का महीना आने वाला है, आज 13 जून हो चुका है, तो 17-18 दिन ये बचे हैं और 6-7 दिन जुलाई के हैं। तो यानी अप्रोक्स मान के चले तो महीने के आसपास हमारे पास समय बचा है। महीने से कम का ही समय है, महीना भी नहीं बचा, महीने से कम का ही समय है। इसमें बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही है और लगातार जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ लाइव के अंदर आपके कमेंट पढ़ता हूँ, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपका आपके बार श्योर सिलेक्शन, क्योंकि बहुत बेहतरीन आप रिजल्ट दे पा रहे हो। मतलब जो आपका आउटपुट आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और इसी बीच दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड जो कि कॉमेंट आते हैं कि वीडियो मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों कट ऑफ बताओ सर। कट ऑफ नहीं, एक सेफ स्कोर हो सकता है। कट ऑफ कब बताई जाती है? जब आपका पेपर हो जाता है, पेपर के बाद में पेपर का लेवल कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस प्रकार का प्रश्न पत्र रहा, उसके विहार पे दोस्तों हम कट ऑफ बता सकते हैं कैसे रही। लेकिन पेपर से पहले कट ऑफ बताना शायद उचित नहीं होता, लेकिन एक सेफ स्कोर की हमें, हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि इतना तो मैं अचीव करूँगा या इतना अचीव कर लेता हूँ तो शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो एक टारगेट सेट करना होता है, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फिजिकली तैयारी कर रहे हो या मेंटली, जिस हर चीज़ का एक टारगेट होता है। जैसे हमें 10 किलोमीटर की दौड़ पार करनी है तो हमारा एक टारगेट होता है कि 10 किलोमीटर ही मैं कम से कम 12 किलोमीटर तो पार करूंगा इतने समय में, क्योंकि जब 12 किलोमीटर पार करोगे तभी तो 10 किलोमीटर आप कर पाओगे। अब इसका यह मतलब नहीं कि हमने 10 ही किया है तो फिर नहीं, तो फिर तो 8 किलोमीटर पार करो। इसी प्रकार से हमें एक सेफ स्कोर दोस्तों मालूम होना चाहिए कि अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, क्या उसमें हम इतने स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, नहीं कर पा रहे तो कमियां रह रही है कुछ ना कुछ, उसे पूरी आप कर सकते हो, और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो स्वर्ण समय आपका आने वाला है। चलिए बात करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, और लगातार जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वीडियो की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई गई है और करवा रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी PY की सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, बहुत अच्छे तरीके से, देन उसके बाद में हम कुछ और नया करने वाले हैं। तो आप लगातार जुड़ोगे ना चैनल के साथ, तब दोस्तों आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। और आज हम जो सेफ स्कोर की बात करेंगे वो TSP की बात करेंगे, नॉन TSP, क्योंकि कई बार बोलते हैं सर आप TSP नॉन TSP की बताते हो, TSP की नहीं। तो आज मैं TSP की भी कट ऑफ साथ में, और उसके बाद में एक्स सर्विस मैन है उसकी भी डिस्कस करेंगे, वीडियो की है उसकी भी सर्विस करेंगे, उसका भी हम बताएंगे एनालिसिस, क्योंकि सभी की डिमांड आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉन TSP की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? नॉन TSP की हम बात कर लेते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कट ऑफ हम नहीं बता रहे हैं, कहीं आप कॉमेंट को सर अपने पेपर से पहले कट ऑफ बताते, क्योंकि आप पूरी बात को सुनते नहीं हो, सीधा देख कर ही कॉमेंट कर डालते, पूरा वीडियो नहीं देखते उसके बाद कॉमेंट कर डालते हो। चलिए बात करते हैं। तो ये एक सेफ स्कोर है, इतना टारगेट तो अचीव करना पड़ेगा, जो मेरे मुताबिक मेरा जो एनालिसिस है वो आपको बता रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा इसके आसपास ही कट ऑफ आपके रहने वाले हैं, जी पेपर का लेवल किस प्रकार से भी पूछा जाए। चलिए देखिए, जनरल के अंदर अगर हम बात करें, मेल और फीमेल की बात करूंगा, तो मेल के अंदर आपको पता कि 200 नंबर का है आपका कार्यक्रम, कितने नंबर का है? 200 नंबर का आपका कार्यक्रम है। इसके अंदर अगर जर्नल के अंदर कोई बच्चा सामान्य वर्ग का जो पुरुष है वो 140 और 145 के आसपास अगर नंबर लेके आता है तो बिल्कुल सेफ जोन में रहेगा, मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो इन आंकड़ों में एक बात और कि ज्यादा कोई फेरबदल होगा, मैं मान के चलता हूं कि प्लस माइनस 5 का या प्लस माइनस 3 का मान के चलो, मैं ज्यादा आंकड़ा नहीं लूंगा, प्लस माइनस 3 का आंकड़ा मान के चलो कि प्लस 3 हो सकते हैं ऊपर या प्लस 3 नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। पीछे मैंने वीडियो प्री की कट ऑफ भी आपको बताई थी और करीबन उतना ही रहा जो मैंने आपको बताया, उतनी ही कट ऑफ दोस्तों रही थी, ठीक है। अब देखिए 140 और 145 के आसपास, इसके बीच में अगर नंबर आते हैं जर्नल के, तो हो सकता है कि सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस है, मतलब 99% सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा प्लस माइनस 3 और आप देख लेना ऊपर नीचे, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो 130 और 140 के बीच में बिल्कुल सेफ जोन में महिला सामान्य वर्ग की। अगर ओबीसी की बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं रखूँगा ओबीसी का, क्योंकि आज के लगभग देखने को मिल रहा है कि ओबीसी को जनरल की मेरिट लगभग रहती है, तो 138 और 145 के आसपास दोस्तों घूमेगी, इतने डिफरेंस। और इसको दोस्तों मैं इस महिला के बराबर रखना चाहता हूँ, यानी कट ऑफ ओबीसी को जनरल की लगभग लगभग कुछ 1% 1-2% हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी सेम रहने की संभावना रहने वाली है। तो बिल्कुल, और आपको यही आंकड़ा लेके चलना है, इससे ज़्यादा ही आपको अचीव करना है, इससे कम दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर EWS की बात करता हूं तो 135 प्लस पुरुष के अंदर बहुत ही बेहतरीन रहेगा, और इसी प्रकार से महिला का भी दोस्तों 135 प्लस का आंकड़ा ही, मैं दोनों का एक साथ लेकर चल रहा हूं कि इतना तो आपको अचीव करना है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल आप 99% सेफ है।
अगर मैं एसटी एससी दोनों की बात करता हूँ, क्योंकि लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता एसटी और एसटी एससी के अंदर, तो बराबर लेके चलता हूँ, थोड़ा बहुत रहेगा तो एक दो नंबर का रह सकता है। तो 130 और 135 के मध्य में अगर पुरुष है एससी या एसटी का तो बिल्कुल सेफ जोन में है, और महिला वो 125 से 130 प्लस के बीच में रहेगी तो बिल्कुल सिलेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर एमबीसी श्रेणी की बात करूँ तो यही 135 और 140 के बीच में दोस्तों आंकड़ा रहेगा, और इसी प्रकार से महिला का भी आपके सामने मैंने रखा। एक्स सर्विसमैन की बार बार पूछते हैं, ये नहीं बताते ये बता दी। अगर एक्स सर्विसमैन है तो 100 प्लस अगर नंबर बनते हैं, 105 भी नहीं, 100 प्लस अगर नंबर बनते हैं या 99 या 98 अगर नंबर है तो भी दोस्तों बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, यानी सिलेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। विडो कैटेगरी है ना, विडो कैटेगरी के अंदर है तो 70 से 100 के बीच में अगर विडो कैटेगरी नंबर ले आती है तो मान के चलो कि सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस शर्ते 2-3 नंबर, मैंने आपको लिखा ये आंकड़ा ध्यान रखना, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं और इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये नॉन टीएसपी की हमने बात की, अब आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं, आपके सामने है। यदि इतना तो टारगेट आपको लेके ही चलना पड़ेगा, अगर आप इससे ज़्यादा लेके आ रहे हो, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें इससे ज़्यादा आपके नंबर आ रहे हैं तो मतलब सिलेक्शन तो पक्का है आपका। हमने जीके की टेस्ट सीरीज है, बहुत ही उमदा क्वेश्चन उसमें डाले हैं, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 51 रुपये में दोस्तों, मात्र मैथ और जीके दोनों की 51 रुपये के अंदर दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, बहुत ही बढ़िया। तो यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों आपको होने वाला है। तो ये बात हमने की किसकी, नॉन टीएसपी की बात कर ली है, तो ये आपके सामने। अब मैं एक बार बात कर लेता हूँ टीएसपी की, तो उसमें क्या कुछ रहने वाला है, अब एक बार हम देख लेते हैं टीएसपी की। देखो टीएसपी के अंदर सामान्य वर्ग के अंदर अगर आप देखोगे तो 120 से 130 के आसपास अगर सामान्य वर्ग में है, हो सकता है कि प्लस माइनस, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यहाँ प्लस माइनस 3 आपको कर लेना, ऊपर नीचे हो सकता है, 120 और 130 के आसपास है बिल्कुल सेफ, और महिला वो 115 प्लस, ठीक है। अगर एससी की बात करता हूँ तो 115 के आसपास है और महिला 105 के आसपास रहेगी। एसटी की बात करता हूँ तो 110 प्लस है, इससे नीचे भी रह सकती है, 105 भी हो सकती है, बट 110 के आसपास थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, और यहाँ 100 प्लस अगर महिला है एसटी के अंदर तो बिल्कुल सेफ जोन में दोस्तों रहने वाली है। ये था एक छोटा सा सेफ स्कोर जो मैंने आपके सर एनालिसिस किया, और कहीं ना कहीं हद तक आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपको लगता है कितने रह सकते हैं, जो मैंने आपको बताया क्या ये बिल्कुल सटीक है, क्या प्रमाण आपको लगते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हर आदमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि जो मैंने आपको बताया क्या इससे ज़्यादा रहने की संभावना है या इससे कम रहने की, वो आप कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर विचार जरूर करूँगा। बट मेरी जो अनुमान है, जो मेरा एक 10 से 11 सालों का जो एक्सपीरियंस मेरा है उसके मुताबिक लगभग दोस्तों कट ऑफ मैंने आपके सामने रखी, और पेपर का लेवल किस प्रकार से आ सकता है इसका भी मैंने पूरा ध्यान रखा है, और बाकी जो फाइनल कट ऑफ जो रहती है वो तो पेपर आने के बाद ही दोस्तों पता लगने वाला है। और अभी तो सेफ स्कोर है, इतना तो देखो आपको लेकर चलना पड़ेगा अगर आपको वीडियो अधिकारी बनना है, तो आपके पास समय कम है, लगातार दोस्तों बेहतरीन तैयारी करनी है, और मैथमेटिक्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन तैयारी मैथमेटिक्स की, कि जो 40 नंबर का जो वेटेज है वो 40 में से 40 लेने का जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं उसी राह में दोस्तों हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और आप लगातार जुड़े इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब किसी प्रकार से आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, इधर उधर आपको भागना नहीं है, कंटेंट पे फोकस करना है और कुछ नया नहीं करना है इस समय, जो चीज़ें आपके पास है वो दोस्तों आप करते रहें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आपने जितना पढ़ लिया उसके लिए दोस्तों आप एक बार अनुमान लगा लें कि आपने जो पढ़ा है वो क्या बिल्कुल ठीक है, किस माध्यम से लगाएंगे। आप या तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं, हमारी ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा मेरे लो, आप बहुत सी मार्केट में टेस्ट सीरीज ऑफलाइन आप मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, और हम भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल लागत मूल्य के ऊपर, 51 रुपये के अंदर मैथ की है, 51 रुपये में जीके की, वो भी टॉपिक वाइज है। क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो उमदा लेवल दोस्तों डाला गया है, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा भविष्य का किसी को नहीं पता है, कोशिश हमारी रहती है कि 100% कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हो, लेकिन मैथ में हमने आपको धमाकेदार तैयारी करवाई है, पूर्ण विश्वास दिलाया है कि जो पढ़ा दिया है, जो आपको चीज़ें करवा दी है उससे बाहर जाने की संभावना न के बराबर है, और अब भी लगातार कोशिश जारी है, अंतिम समय तक दोस्तों लड़ेंगे, बशर्ते आपका साथ अंतिम समय तक चाहिए, तभी जाकर दोस्तों नहीं पार हो सकती, अदरवाइज अकेले से कुछ नहीं होता। मृत्यु को लेकर कोई भी मन में आपके शंका रहती है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस पे आपको जो क्लासेस रहती है हमारी उसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिलती रहती है। उम्मीद यही करता हूँ और मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है कि इस बार आपकी सरकारी नौकरी का जो सपना है, जो वीडियो बनने का सपना है, वो ज़रूर पूरा होगा, और इसे पूरा करने में मैं पूरी आपकी दोस्तों ईमानदारी के साथ हेल्प करने वाला हूँ और कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद जय भारत।